वाल्वोटोमी, माइट्रल स्टेनोसिस नाम की बीमारी में बलून माइट्रल वाल्वोटोमी किया जाता है। वाल को जो वाल सिकुड़ गया उसको खोलने के लिए किया जाता प्रोसीजर है। जो हम देख रहे हैं वो बलून है, वो माइट्रल वाल के अक्रॉस खुलता है, वो ऐसे खोल के माइट्रल वाल को ओपन कर देता है। ये हमने आज किया था रेडो बीएमवी। रेडो बीएमवी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहले उसका सालों पहले बीएमवी हो चुका होता है और सेकेंड टाइम वाल जब सिकुड़ जाता है उसको खोलने के लिए हम रेडो बीएमवी करते हैं, अगर वाल सुटेबल है तो उसके वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और स्किलफुल टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर है और आज हमने सक्सेसफुली वो रेडो बीएमवी किया हुआ है। तो अभी पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव होगी। जो उसको चलने के टाइम पे सांस फूलता था या तो कभी एक बार उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था, तो अभी उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव होगा और चलने के टाइम पे उसका सांस नहीं होगा। और अगर सक्सेसफुली बीएमवी हो जाता है तो पेशेंट्स को 24 आवर्स में हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं और चलते फिरते घर चले जाते हैं विदाउट ऑपरेशन वाल्व खोलने की प्रोसीजर। थैंक यू।